Hi everyone, welcome back again to our YouTube channel. वो की हो रखी है तबीयत ज़्यादा ख़राब और इसको स्टीम मतलब भाप लेगा अभी ये भाप और ये थी भाप की मशीन कफ हो गया इसको कफ बात बात कुलजी कर रहे कुलजी कर हो गया ब्रेवो का ट्रीटमेंट कंप्लीट अभी इसको 5 डेज और आने को बोला है मतलब 3 to 4 डेज और आने को बोला क्योंकि कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है भाई साहब को तो इसको लेके आना ही पड़ेगा और इसको डेली अभी भाप लगेगी एक दो इंजेक्शन लगेंगे डेली क्या कर सकते हैं अब ठीक इसको करवाना है तो लेके तो आना पड़ेगा ले भैया पोटी कर दी अब बदतमीज हो गया आजकल कहीं भी बैठ जाता है भाई बदमाश कहीं भी बैठ जाते हो हैं और सुबह सुबह तो नहीं हो रही 4 बज रहे हैं मैं आई थी मंडी हाउस तक पासपोर्ट ऑफिस क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी बट यहाँ पर आके इन्होंने मेरे को फिर से भगा दिया ये बोल के कि पहले आपको यहाँ के हेडक्वार्टर ऑफिस जाना है वहाँ से एक फाइल क्लोज करवानी उसके बाद आपको दोबारा यहाँ पर आना है और टाइमिंग भी है कल आपको वहाँ पर जाना है 10 से 1 के बीच में उसे अगले दिन यहाँ पर आपको आना है 9 से 11 के बीच में और मतलब भाई मतलब मेरा यहाँ पर आना वे मैं सिर्फ एक इतनी सी बात जानने के लिए यहाँ पर आई हूँ सुबह सुबह इतनी देर लाइन में खड़ी रही और कल रात को आपको पता है हम लोग पार्टी वगैरह करने गए थे उसके बाद सुबह उठी फटाफट यहाँ पर आई मेरे घर से मंडी हाउस बहुत दूर पड़ता है मंडी हाउस से ऑटो करके आना पड़ता है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ बस हार्ट इतनी देर लाइन में होने के बाद उसने मेरे को हार्डली 1 मिनट बोला 1 मिनट मेरे से बात बात करी मेरे को बोला जाओ बाद में आना तुम लोग कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास मैं क्या ही बोलती हूँ तो सरकारी काम है टाइम लगता है बहुत ज़्यादा कसम से तो यहीं पर हॉलेड हाउस के साइड में एक कैफ़े है उदुपी कैफ़े करके ठीक है और यहाँ पर मैंने 2-3 बार खाया है मैं पहले भी यहाँ पर सुबह 2-3 बार आ चुकी हूँ तो मैं यहाँ से हमेशा लेमन राइस खाती हूँ और कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ ट्रस्ट में अगर आओ तो ज़रूर आना इस कैफ़े में और अब मैं जाऊँगी घर भाई ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है ना महाराज कुछ मत विशाल भी नहीं आया क्योंकि वो क्या ही करता आके ना उसको कोई काम दाम था नहीं उसका भी पासपोर्ट बनना भी रहता है आपको याद होगा पहले एक बार आया था उसके बाद से वो आया ही नहीं मतलब वो ऐसा है वो भूल जाता है सारी चीज़ें और वो बहुत आलसी भी है तो खाती हूँ फिर घर चलते हैं फिर देखते हैं कहाँ आज हम लोग जाएंगे कि ना हमें कुछ शूट भी करना है बट वो ना 3-4 दिन से वो डिले पे डिले हो जाता है कभी कुछ आ जाता है काम कभी कुछ और काम आ जाता है ऐसा हो जाता है कल भी मेरे को जाना है तो मैं शायद कल भी शूट नहीं करा पाऊंगी तो वहाँ जाने क्या होगा मेरे घर के लिफ्ट के तो मिरर हमेशा ऐसे गंदे ही रहते हैं बताने क्या दिक्कत है यहाँ पर एडजस्ट कर लेना तो वहाँ से आने के बाद जो हमें पासपोर्ट ऑफिस गए वहाँ से आने के बाद थक गई थी मैं कसम से उसके बाद मैं थोड़ा अपना कुछ एडिटमेंट काम था वो करा देन अभी मैं जा रही हूँ शाल के साथ उसको कॉल आया था कि कुछ खाने चलते हैं हमें उसको हेड वॉश भी करवाना है ठीक है तो मैंने सोचा कि उसके साथ ही चलते हैं कुछ खा भी लूँगी आ गया मेरी स्कूटी लेके गया था बाइक लेके आ गया मेरी स्कूटी कहाँ है और ये कुत्ते मेरी स्कूटी कहाँ है तो मेरी स्कूटी कौन लाएगा तो मेरी स्कूटी थे सर पे बांध दूंगा ये कुछ तो बाइक में तो नहीं लगवाया है क्या लगवाया ये फिलहाल यही थे तो मैंने कहा लगा अरे है क्या ये पैर रखने वाला ये कैसे से गोल्डन कलर के इस तरह से तो मत ही लगवाता अजीब से विशाल वो स्प्रिंग वाले हैं ऐसा लग रहा है पैर नीचे गिर जाएंगे अजीब से है सच में बंदा मैच खेल के आया कह रही किसके लिए बनाया रहे इंडिया के लिए न्यूज़पेपर में छाप रखा है कि आमिर ने बनाया 41 रन अच्छे लेवल पे मैच होता है वो भी कहाँ हो रहा है वो मेरठ के होते हैं जैसे मेरठ में अमृतसर की टीम होती है कश्मीर की टीम आती है दिल्ली की टीम होती है उत्तराखंड की मैं दिल्ली की तरफ से दिल्ली को जिताया हाँ जिताया नहीं हार क्या है झूठ बोल रहे हैं देते है ना फिर भी मैन ऑफ द मैच तो आती है मैन ऑफ द मैच थोड़ी बस इतना ही तो बताया रन हाईएस्ट है ना आपकी टीम में अच्छे प्लेयर आते हैं नहीं इन्होंने अकेले ने टोटल कितने बने थे टोटल 160 पे हम ऑल आउट हो गए 41 रन बना के पंजाबी तड़का खेल रहे खुद ही पार्टी बना रहे 41 रन की नाइस क्या कह रहे थे बता दे मैं ये बना रही हूँ और प्लीज ये मेरे रियल नेल लोगों को लगे मैंने एक्सटेंशन कराया मेरे रियल है ये है ना अभी देख लो अब मैं ऐसा होगा अब इस पे अप्लाई होगा भैया कर देंगे फिर देखते कैसा होता है सेम हो जाएगा बिल्कुल जेरोक्स कॉपी
चलो जी वेट करते हैं। अबे चल रहे, मैंने स्नेक बनवाया था। तुम्हारी संगति होगी इसको, आइए फिर। गुच्ची का कैसे लिया उन्होंने? अबे वो तो परमानेंट थोड़ी रहता है। अरे नहीं चल रहा था, अब नहीं मेरे बन जाएगा स्नेक, यहाँ बनवा लूँ छोटा सा सांप। हाथ दे भैया को, चलो बाय। बॉलीवुड के भी बनवाते हैं, वो पागल है ना। हम बॉलीवुड बॉलीवुड वालों बॉयकॉट कर देना इसे। के नेल्स हो चुके हैं, शो अस। अबे दिखाना भाव खा रही है। कौन सा फ्रूट है? है कौन सा फ्रूट? चेरी। चेरी चेरी चेरी, वो कौन सा गाना है? चेरी चेरी चेरी। आए बेसुरी गाने की बेइज्जती हो गई। टच कर इसको। मैं क्या करूं? कर। अबे वो हाथ में लग जाएगी, ध्यान से करियो टच। आराम से खराब हो जाएगा वो, आराम से कर। थोड़ा शक्ल पे भी करवा लेती ड्राइंग व्राइंग। जरूरत तेरे को है, तेरे को है। बात भी कर ली है, 50% ऑफ में कर देंगे तेरा काम। तेरे को जान है पे जाना था। तेरे को है। तो भाई मेरे को अभी जाना है अर्जेंट में वीडियो बनाने, और अब ये छोटी लड़की इस टाइम पे तेल लगाने बैठ गई अपने बालों में, और हाल देखो क्या कर लिया जान के, ताकि मेरी वीडियो में बदसूरत दिखे। देख रहे हो आपकी लड़की के वो हालात? किसी का कुछ काम हो तो उसे बिगाड़ो है। आपने तो कहा चाय का धुआं, कभी तुम सोचो बुरा। नहीं ऑयल क्यों लगा? आप भी तो बोला भी आज लगा ले। मैंने तो बोला नहीं, झूठ बोल रही हूँ। सब मिले हैं भाई। विशाल मैं तो टीवी नहीं है, नहीं करी बात नहीं करी तेरे से, बोले बात ही नहीं करती मैं। पूरे दिन में तूने कितनी बात करी है? पूजा में कितना सो रही थी, और अगर मैं सो रही थी तूने लड़ाई चल रही है। पूरे दिन में कितनी बात करी है तूने मुझसे? एक बार पूछा मम्मी आप सो क्यों रही, इतनी तेज मुझे बुखार था। कौन मम्मी से पूछती आप सो क्यों रही हो? अच्छा दिन तो नींद आ रही होगी। वो दिन में डेली थोड़ी सोती है। अगर अचानक मैं सो रही तो मुझे पूछा भी नहीं। मैंने तो दिन में पूछा था भाई दवाई दवाई, तो मैं तो पूरे दिन से ही पूछ रहा हूँ इनसे, दवाई वाई चाहिए तो बता दो, डॉक्टर पे चलना है। चलो पर थी नहीं यार, मैं कैसे पूछ लूंगी किसी से? कॉल पे पूछो तो। दो दो फोन क्यों ले रखे हैं? अच्छा मतलब जब एक से भी कॉल नहीं मिला भारी तो पासपोर्ट ऑफिस में जाके करूं। अभी हम लोग जा रहे हैं शूट पे, और अभी 10 बज रहे हैं। वैसे आज हमारा प्लान था बट वो सुबह का था, बट पार्टी वार्टी में गए थे तो फिर लेट हो गए, तो सुबह भी नहीं जा पाए थे। और दोपहर में इसलिए नहीं जा सकते थे कि मेरे को अपने पासपोर्ट के काम के लिए जाना था, और विशाल को बहुत ही अर्जेंट 2 वीडियोस बनानी है जो वो काफी टाइम से टाला जा रहा है, मतलब क्योंकि नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। तो साहू भी अभी नहीं आ सकता है शाम में या दोपहर में, क्योंकि उसका भाई अभी बाहर गया हुआ है, तो वो उसको पूरा अपना देखना पड़ता है वहां पर काम वाम, तो ये सीन है। बट साहू रात में अभी फ्री हुआ था तो हमने उससे बोला, थोड़ा रिक्वेस्ट करा कि प्लीज आना, थोड़ा अर्जेंट है, इसलिए हमको अभी रात में जाना पड़ रहा है। और मैं मतलब मैं सिर्फ विशाल की वीडियोस ही बनाने जा रही हूँ अभी, मेरा तो कोई प्लान नहीं। और आप मेरे बाल देखोगे, आप भी देख रहे हो चपटा चपटा, क्योंकि मैंने ऑयल लगा रखा है बालों में, और ऑयल मैंने इससे लगाया था क्योंकि अगर मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ तो वो बाल इतने अजीब हो रखे थे मेरे, क्योंकि गंदे हो रखे थे वो। मैंने 3-4 दिन से बाल हेड वॉश किया ही नहीं था, और मेरे को आज करना था शाम में मतलब अभी तो, बट अब मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आ गई तो सेट ही नहीं हो पाता, बहुत ही अजीब बाल हो रखे थे, तो मैं थोड़ा ऑयल ऑयल लगा लिया। अभी आपको शायद इसमें तो और ही अजीब लग रहा है, बट रियल में इतना अजीब नहीं लग रहा, मतलब वीडियोज में अच्छा लिखेगा एकदम ऐसे। फिर पोनी वोनी कर ली मैंने, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा था कि आराम से ऑयलिंग वॉलिंग करूंगी फिर अभी हेड वॉश वगैरह कर लूंगी, पर इसने एकदम से बोल दिया कि परी जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। मैंने इसको मना भी करा, मैंने कहा सुबह बना लेंगे यार प्लीज समझा कर, बहुत नींद भी आ रही थी मेरे को। और अभी यहाँ से अभी तो हम लोकेशन पे पहुंचे भी नहीं है, वहां से शूट वूट करके फिर टाइम से मैं घर पे आना, टाइम से क्या ही घर आ पाऊंगी, 11:10 अभी बज गए हैं, मतलब 12 ही बज जाएंगे, 12 या 1 बजे तक मैं घर आऊंगी। फिर मेरे को डॉलर में फिर घुमाने भी, मतलब घुमाने कह रही हूँ वॉक पे भी लेके जाना है, तो शेड्यूल एकदम टाइट है। फिर अगली मॉर्निंग मतलब कल सुबह 6 बजे उठना है मेरे को, हम दोनों को, मेरे को विशाल को ही उठना और साहू को भी, हमें जाना है एक शूट पे जो बहुत 3-4 दिन से डिले हो जा रहा है, कभी कुछ काम आ जाता है कभी कुछ काम आ जाता है, तो ये करना पड़ेगा। मेरे को नींद आ रही है, बाकी चलते हैं। साहू भी निकला हुआ है अपने घर से बेचारे की, वो आज बहुत थक रखा था बट फिर भी वो आ रहे हमारे लिए। होंडा सही है वैसे, वो समझदार है, समझदार नहीं है वो कभी कभी पागलबंदी करते हैं बट वैसे सही है, बात समझता है। ओए ग्रीन लाइट हो गई, फोन चला रहा है, फोन नहीं चला रहा, मैप लगा रहा था। हाँ तो अभी मैंने स्टोरी नहीं आई थी स्नैप पे अभी नील्स वगैरह की, तो वहां पर मेरे को एक कमेंट आया, मैं भी वो ऐसे पढ़ रही थी, सोचा कि सबको बताऊं ये चीज किसी लाइट काए काए मेरे को भी इसमें कहीं दिख रही फोन में, ये रही ये रही ये रही ये रही, अब बड़ा मजा आता। एक पीछे भी गई थी बिल्कुल, अच्छा सामने
तो मेरे को कॉमेंट आया कि अरे वाह आयुष दीदी, आप नेल्स पे तो अपने नेल्स पे तो विशाल भैया का नाम लिखवा रखा है। ये क्या बात हुई? ये देखना, मैंने अब भी नोटिस करा यार, देखियो क्या है ये मेरे को पता नहीं था कि मैं इससे पहले वाले टेक में बोली जा रही हूँ और उसमें मेमोरी फुल हो रखी है। बताओ, तो मैं ये बात कर रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं करा था कि मेरे नाखूनों में, वैसे मैंने चेरी बनवाई है ठीक है, और ये वी बन रहा है। मतलब कितना, मतलब कितने गौर से आप लोग देखते हो कि आप लोगों को पहचान होगी कि अरे दीदी तो वी का वो दिख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ कोई ऐसा वो सब फूक, इतना भी नहीं। थोड़ा बहुत पैसे वैसे लगा के मैंने नेल आर्ट करवा ली और आपने कह दिया कि आपने इसका नाम का करो। तो स्ट्रॉबेरी बनवा रही थी, चेरी कहाँ से बन गया? चेरी था वो, स्टार्टिंग से चेरी बनवा रही थी मैं, वो चेरी अब वी में बन गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भगवान इशारा दे रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। अब तू देख ले। मैं क्या देखूं, देखने वाले लोग देख रहे हैं, बता भी रहे हैं, मैं क्या देखूं उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, ये चेरी है, चेरी नॉट हिम, नॉट एट ऑल। मैं कली जाके हटवा देती हूँ उसको, अब मिटा दूंगा मैं। अब ये मिट्टी नहीं है ना, मैं वही हफ्ते हटवाऊंगी, मिट्टी रगड़ दूंगा इस पैसे से करके। हाँ मेरे को नहीं रखना ऐसा, अब मेरे को अजीब लग रहा है, मैं कसम से अजीब लग रहा है कि मैंने क्या करवा दिया। कोई नहीं, गुस्सा हो रहा है, मैं इसको खिला नहीं रहा ना। अब तो नहीं खिलाऊंगा मैं, नहीं।